हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने जो है वो स्टार्ट किया था। अब लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है देखो हम प्रेजेंट के अंदर कौन सी कंडीशन है हमारे अंदर, एक तो है हमारे सेंटर, फिर उसके नीचे है स्टेट, और उसके नीचे जो हमारी लोकल जो गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसका स्टार्ट किसने किया था, तो वो किया था हमारे लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। पहले क्या होता था, सेंटर के अंदर जो गवर्नमेंट थे वो क्या थे, जो हमारे ब्रिटिशर जो थे वो थे, स्टेट के अंदर वो अपॉइंट करते थे, वो राज करते थे, लेकिन सबसे पहले अगर लोकल गवर्नमेंट की बात किसी ने की तो वो थे लॉर्ड रिपन। इन्होंने 1882 के अंदर लोकल जो गवर्नमेंट है उसकी बात की थी, जो कि सेल्फ गवर्न होती थी, यानी कि खुद से ही अपने डिसीजन लेना, उनके अंदर जो अपॉइंटमेंट जो थे वो करना। जैसे मान लो कि हमारे स्टेट के अंदर क्या होता है, सीएम होता है, सेंटर के अंदर क्या होता है, पीएम होता है, तो उसी तरीके से डिसीजन लेने के लिए उन पर्संस को अपॉइंट किया जाता और फिर वो अपने डिसीजंस जो है वो लेते। तो ऐसी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले किसने शुरू की थी, लॉर्ड रिपन ने जो है वो स्टार्ट की थी। कब की थी, 1882 के अंदर, 1882 के अंदर इन्होंने स्टार्ट की थी। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है, वो भी देख लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जो है वो बोला जाता है। लॉर्ड रिपन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ही वॉज कंसिडर्ड टू हैव गिवन द इंडियंस द फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बाय establishing the local self-government in 1882 के अंदर उन्हें सबसे पहले जो है वो self-government, local self-government जो है उसका establishment जो है वो किया था। इनके बारे में दो तीन और चीजें अगर आप याद रख सको काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन ने कौन कौन से काम जो है वो किए थे। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने क्या किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया था। कब किया था, 1882 के अंदर किया था। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे अच्छा काम किया था, कौन सा, फैक्ट्री एक्ट 1881, जो हमारा पहला फैक्ट्री एक्ट आया था 1881, वो भी किसकी देन थी, वो भी लॉर्ड रिपन की देन थी। इसके अंदर क्या था, पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिशर जो थे वो लोगों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे थे, जैसे पूरे दिन और रात उनसे काम करवाना, कभी भी छुट्टी ना देना, इस तरीके की जो अत्याचार जो थे लोगों पर वो हो रहे थे। लॉर्ड रिपन ने पहली बार जो है वो एक एक्ट बनाया, फैक्ट्री एक्ट 1881 के नाम से एक एक्ट बनाया। इसके अंदर बोला कि भाई देखो महीने की 4 छुट्टियां होनी चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको आप फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करवा सकते, और अगर जैसे मान लो 7 ईयर जो उन्होंने डिसाइड किया कि 7 ईयर से कम अगर किसी की एज है तो उन बच्चों से आप जो है वो काम नहीं करवा सकते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। जैसे मान लो 7 ईयर्स से छोटा है कोई बच्चा तो वो आप फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करवा सकते हैं। अगर 7 ईयर से ज्यादा है, लेकिन जैसे मान लो 14 ईयर्स तक है, यानी कि अभी भी तो वो बच्चा ही है, तो भी आप उनसे जो है वो ऐसे हैजार्डियस काम नहीं करवाएंगे जिनसे उनकी जो है वो हेल्थ को कोई नुकसान हो सकता है। साथ साथ जो वर्किंग आवर्स जो है, वो भी जो है वो डिसाइड कर दिए गए कि ऐसा नहीं है कि दिन और रात उनसे आप काम करवाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, जैसे मान लो कि भाई 8 आवर्स के लिए, 8 घंटे के लिए ही आप काम करवा सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने फिक्स कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो मंथ के अंदर, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको छुट्टी ही नहीं देंगे, मंथ के अंदर एटलीस्ट 4 जो है वो लीव्स होनी चाहिए, 4 छुट्टियां तो आपको देनी ही पड़ेंगी। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री एक्ट जो है वो भी बनाया। तो आप दूसरा काम उन्होंने क्या किया, पहला तो क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया 1882 के अंदर, और 1881 के अंदर उन्होंने फैक्ट्री एक्ट जो है वो भी लाया। फिर उन्होंने क्या किया, 1882 के अंदर जो हमारे पहले जो है प्रेस पर जो हमारे बैन लगा हुआ था,
जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो भी वो लेकर आए, इसका रिपील कर दिया इन्होंने। फिर एजुकेशन कमीशन 1882 के अंदर वो भी यही लेके आए थे, और ये किसके अंदर लाए थे, वो विलियम हंटर जो 1882 के अंदर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था उसके आधार पर इन्होंने क्या लाया था, एजुकेशन कमीशन जो है वो उसका भी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था। फिर जो सबसे ज्यादा ये कंट्रावर्सी के अंदर रहे थे वो था इल्बर्ट विल कंट्रावर्सी। इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, पहले क्या कानून था भाई, इंडियन जज जो होते थे, इंडियन जजेस जो होते थे वो ब्रिटिश अगर कोई आदमी है तो उनको किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट नहीं दे सकते थे, किसी भी तरीके की कोई सजा जो है वो नहीं दे सकते थे। लेकिन लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इन्होंने ऐसी एक व्यवस्था कर दी कि उसके अंदर इंडियंस जो जजेस हैं वो भी ब्रिटिशर्स को जो है वो सजा दे सकते हैं। तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया यहां पर जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी किया, और ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर जो लोग थे उन्होंने भी इसका काफी ज्यादा विरोध जो है वो किया। उसके बाद जो है वो उन्होंने इल्बर्ट बिल जो वो लेकर आए थे इनको वापस इनको लेना पड़ा, लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रावर्सी जो है वो इनकी वजह से जो है वो हो पाई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट तो आप बोलेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने और क्या क्या किया था, उन्होंने जो है वो एजुकेशन कमीशन 1882 के अंदर इस्टेब्लिश किया था, किसके अंदर, अंडर विलियम हंटर 1882 के। इल्बर्ट बिल कंट्रावर्सी ये क्या थी कि भाई जो इंडियन जजेस जो है वो ब्रिटिशर्स को जो है सजा दे सकते हैं, ये इस इल्बर्ट बिल के अंदर ऐसा था, लेकिन ये काफी ज्यादा कंट्रावर्सी हो गई, इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ यहां पर जो ब्रिटिशर्स उन्होंने भी किया, और जो इंग्लैंड के अंदर जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी इसका काफी ज्यादा विरोध किया। उसके बाद ये इल्बर्ट बिल जो है इनको वापस लेना पड़ा। फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1882 इसको भी इन्होंने रिपील किया, इसको हटाया। और जो फैक्ट्री एक्ट 1881 के अंदर, पहला फैक्ट्री एक्ट कौन लेकर आया था, तो अभी आपका आंसर यही रहेगा, लॉर्ड रिपन जो है वो पहला फैक्ट्री एक्ट जो है वो लेकर आए थे। काफी ज्यादा इन्होंने जो है वो इसके अंदर जो लेबर्स है उनके राइट्स जो है उन्होंने प्रोटेक्ट किए कि आप उनको जो है वो इनह्यूमन कंडीशंस के अंदर आप काम नहीं करवा सकते हैं, उनको जो है आप छुट्टियां देंगे, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर ही आप काम करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है डे एंड नाइट जो है आप उनसे शिफ्ट करवाएंगे। तो इस तरीके से जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने काफी ज्यादा जो है वो इंडियंस के लिए वर्क किया, इसलिए लॉर्ड रिपन के बारे में बोला जाता है कि लॉर्ड रिपन एक गुड मैन थे, वो काफी ज्यादा जो है वो इंडियंस के बारे में सोचा करते थे। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, तो आप याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इन इंडिया, भारत के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके जनक किसको बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने ये फैक्ट्री एक्ट लेकर आए, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है ये लेकर आए, फिर ये जो इल्बर्ट जो बिल था जो कंट्रावर्सी है वो भी इनकी वजह से हुई, फिर जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इनको इसने क्या किया, रिपील किया। तो इस तरीके से इन्होंने काफी ज्यादा काम जो है वो इंडियंस के लिए किया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।